साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है घटना जय पब्लिकेशन के द्वारा जो सामान अध्ययन पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसमें सिविल सेवा, चाहे वो संघ सिविल सेवा हो या राज्य सिविल सेवा विभिन्न राज्यों की, उनके जो प्रश्न पत्रों में जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को इस पुस्तक में संकलित किया गया है और सेक्शन वाइज संकलित किया गया है। इसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। यदि आपको इस पुस्तक का PDF चाहिए तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के उस लिंक से आप PDF को देख सकते हैं और फ्री में उसको आप पढ़ सकते हैं। घटनाचक का जो मोबाइल ऐप है उस पर, जो एंड्रॉयड ऐप है उस पर जाकर के। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग जो है इस पुस्तक का जो पहला सेक्शन है, पहला सेक्शन मतलब जिसमें भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बात की गई है, उसको यहाँ पर देखेंगे। तो इसके तहत हम लोग भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम तथा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया और संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ तथा चौथा संविधान के स्रोत, इन चार सेक्शन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो देखिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था, 1773 में किया गया था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना सन 1774 में हुई थी। सर एल्जा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। आगे चलते हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या से कथन सही है या है। दो कथन है। पहला, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न देखा, तो ये कथन आपका सही है। दूसरा, लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, नहीं, एल्जा एम्पे थे। ठीक है, हमने ऊपर भी पढ़ा यहाँ पर कि एल्जा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार से पहला कथन सही है और दूसरा गलत है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम से होती है, तो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। तो इसको आप दो से मिलाइए, ए को। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसकी स्थापना नियामक अधिनियम 1773, 1 से मिला दीजिए। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी जाती है चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा, तो 3 से मिला दीजिए। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति होती है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, तो ये 4 से मिला दीजिए। तो आपका 2134 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेज शिक्षा की नींव पड़ी। तीन चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। तो पहला, 1813 का चार्टर एक्ट सही है, इसमें शिक्षा के लिए जो है 1,00,000 का प्रावधान किया गया था, पहला आपका सही है। दूसरा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। दूसरा, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद जो आपका होता है, ये भी, ये तीन के तीनों जो है भारत में अंग्रेज शिक्षा की नींव के लिए आधार रहे हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेज भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1833 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये के अनुदान अर्थात ग्रांट की थी। समिति में दस यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि HT प्रिंसेज प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये हुआ था 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से।
ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। देखिए, जबकि जो 1833 का चार्टर अधिनियम रहता है, इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अगला है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये 1813 का चार्टर एक्ट था। इसमें चाय और चीन के व्यापार के अलावा जो भी एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया था। अगला है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय तथा चाय का व्यापार था चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इन दोनों को छोड़कर के बाकी पर एकाधिकार समाप्त कर देते हैं और इन पर भी जो एकाधिकार था वो भी 1833 में समाप्त हो जाता है। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज या क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, ये आपका सही है। तीसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, नहीं, ये कथन आपका गलत है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, देखिए तीसरा कथन गलत क्यों है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद तथा पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये बनाया था चार्टर एक्ट 1833 ने। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अर्थात कलर अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ पर आपके पास तीन विकल्प हैं, बताना इनमें से कौन सा या से कथन सही है। पहला, इस अधिनियम 1861 के अधिनियम की बात हो रही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई, ये कथन आपका गलत हो गया। गलत है, ठीक है, क्योंकि देखिए न्यूनतम संख्या जो थी सदस्यों की 6 और अधिकतम 12 कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला कथन है कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई, ये कथन आपका गलत है। दूसरा, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई, ये आपका सही है। तीसरा, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, ये भी आपका सही है। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, बी ऑप्शन। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया था, जिसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 सदस्य बात की गई है, कुल कितने थे? 5 थे, 7 नहीं थे। ठीक है, 1874 ईस्वी में इसमें 6ठा सदस्य लोक निर्माण विभाग हेतु जुड़ा। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाता था। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेद नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। तीन कथन दिए गए, बताना इनमें से सही कौन सा है। ठीक है, इसमें सही कौन सा है, एक सेकेंड। तो इसमें देखिए, पहला कथन है कि इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया, नहीं, ये पहला कथन गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति मिली तथा यह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया। तो लागू कब होता है? 3 फरवरी 1893 को। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, कुल सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, नहीं, 10 थी, ये भी गलत है। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, नहीं, प्रश्न पूछने का अधिकार था परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर तीन के तीनों कथन गलत हैं, जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए इसमें कोई विकल्प नहीं है, सही है। ठीक है,
भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई तथा यह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया। इस प्रकार पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। तत्संबंधी विनियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्यों और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई। ऊपर प्रश्न में 5 कहा गया है तो कुल कितने थे गैर सरकारी? 10 थे। उल्लेखनीय है कि इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय और यूरोपीय दोनों शामिल थे। जो तीसरा कथन है कि 1800 पूरक प्रश्न के लिए, तो 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बजट पर बहस करने की जो शक्ति मिलती है वो आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत मिलता है। ठीक है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मार्ले मिंटो सुधार 1909 का जो अधिनियम था इसके द्वारा। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहते हैं, या अन्य भाषा में, अन्य शब्दों में मार्ले मिंटो सुधार 1909 भी कहते हैं। इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। अगला है, 1909 का अधिनियम संबंधित था किससे? तो ये जो है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से संबंधित था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो देखिए संघीय न्यायालय की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की जाती है। तो 1935 का अधिनियम इसमें चारों विकल्पों में कहीं नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवियर थे। आगे बढ़ते हैं, अगला है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 1937 भारतीय परिषद अधिनियम 1935 के तहत 1937 में 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था, तो बी ऑप्शन। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो द्वैध शासन जो है आपका किसके तहत आता है? केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम आपका आता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। केंद्र में द्वैध, जो आपका 1919 का अधिनियम रहता है वहां पे प्रांतों में द्वैध शासन था, ठीक है, और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन किया गया, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ, मतलब द्वैध शासन इसके अतिरिक्त एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उद्भव जो है 1919 के अधिनियम में किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित मतलब रिजर्व और हस्तांतरित विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में, तो अभी हमने ऊपर वाला प्रश्न देखा 1935 के अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तीन कथन दिए गए। पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, तो प्रांतों में द्वैध शासन सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, ये 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसमें किया गया था मार्ले मिंटो अधिनियम में, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला गलत है। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है, तो आपका पहला तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या देखें, तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए,
जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तार किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये निर्दिष्ट करता है प्रांतों में प्रत्यायुक्त विषयों को दो प्रभागों में विभाजन के संदर्भ में। ठीक है, तो डी ऑप्शन, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन के संदर्भ में। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और आंतरित मतलब रिजर्व और ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत बांटे गए। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए, आरक्षित विषय माने गए? तो इसमें देखिए आपका न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस जो है इसे जो है आरक्षित विषय रिजर्व विषय के तहत रखा गया गवर्नर उसके परिषद के लिए, तो 134। जबकि स्थानीय स्वशासन को जो है ये ट्रांसफर कैटेगरी में रखा गया, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके जो आरक्षित विषय थे इसके अंतर्गत न्याय प्रशासन था, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया। जबकि हस्तांतरित विषयों के तहत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा गया। मतलब जो ब्रिटिश सरकार को बहुत जरूरी नहीं लग रहे थे उनको जो है आपका हस्तांतरित विषय में विषयों के तहत रखा गया। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। अगला है किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम ने स्थापित किया। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाएगी? तो प्रथम बार द्विसदनीय ये जो है आपका कब बनती है? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? निम्न से केंद्र में कौन सा एक्ट जो है द्विसदनीय विधायिका लाया केंद्र में? तो ये 1919 का जो एक्ट था ये लेके आता है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, बताना इनमें से कौन सा ऐसे सही है। पहला, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई? नहीं, ये कथन गलत है। दूसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, ये सही है। तो यहाँ पर पहला गलत, दूसरा सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं था, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। अगला है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, ये कहीं सही है। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2। देखिए, भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में ना होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी, तो ये 1919 के अधिनियम के माध्यम से। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग जॉर्ज V की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले
चैम्बर ऑफ प्रिंसेज नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई। इसका उद्घाटन फरवरी 1921 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ या हुए? पहला 1926 और 1945 का, 1937 वाला नहीं हुआ था, ठीक है। देखिए केंद्रीय प्रश्न क्या है, केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो 1926 और 1945 का जो निर्वाचन था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, जबकि 1937 वाला जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए और सी हो जाएगा, ए और सी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? ये किया गया था 1945 में, ऊपर अभी देखें 1945 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। यद्यप ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो अनुच्छेद 123 में है भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से इसको प्रवृत्त किया गया, सी ऑप्शन। देखिए संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों के विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की सातवीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसके तहत प्रांतों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन समाप्त कर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी, कौन सी नहीं थी? पहला, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए नहीं, गवर्नर जनरल को दिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला गलत है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो ये शुरू की थी किसने? भारत शासन अधिनियम 1935 ने, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, किसके माध्यम से? 1935 के अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, कैसी थी? तो ये भारत संघ अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित जो संघीय प्रणाली थी वो भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरह की थी, मतलब की थी, ठीक है। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया थी, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर होना था। प्रस्तावित भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद तथा इसके नीचे प्रांतों एवं रियासतों की सरकारों का प्रावधान था। आगे चलते हैं, देखिए ये चूंकि एमपी का प्रश्न है, एमपी पीसीएस का,
तो एमपीपीसी से इसका उत्तर जो अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन माना है, ठीक है, अखिल भारतीय संघ की संघ माना है। एक सेकेंड, आगे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, इसका प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में नहीं किया गया था, ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला, ये स्थायी अवयव नहीं है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये अन्य स्थायी अवयव है। एक संघ की योजना पर विचार, ये भी है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावोचित किया जाना या नॉमिनेट किया जाना, ये भी था, ठीक है। अगला है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये क्या है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं, संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से इसको अलग किया गया, ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर आगे देखेंगे। तो चलिए, इसका जो पहला प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। अगला है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ये एम एन राय ने 1934 में। अगला है, किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है? तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है, ये कहा था महात्मा गांधी ने। कब कहा था, कहाँ कहा था? तो महात्मा गांधी ने वर्ष 1939 में हरिजन पत्रिका में लिखे एक लेख, लेख का नाम क्या था, द ओनली वे, में कहा था, केवल यही एक रास्ता है, मैं कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था किसमें? तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। अगला है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना सही कौन सा है। पहला, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ये कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। तो पहला आपका गलत है, दूसरा सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मार्च 1942 से या मई भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा, भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में शामिल क्या था? इसमें शामिल था, पहला, युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। प्रश्न में क्या था? प्रश्न में था संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नहीं, भारतीय रियासतों द्वारा नामित होंगे परंतु प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा नामित नहीं होंगे, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होंगे, इसलिए पहला कथन गलत था। तीसरा, भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। चौथा, यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो तो वह अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग से संधि कर सके, इसलिए पहला कथन गलत था, दूसरा सही था। आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 1,000,000 व्यक्ति के अनुपात में था। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया।
मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। इसमें आपका पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है ये अध्यक्ष था, और इसमें विलियम वुड शामिल नहीं थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आता है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा का निर्माण जो है आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जबकि सभापति कौन थे? जो गवर्नर थे वो। देखिए, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसमें सी राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, परंतु इसमें डॉक्टर राधाकृष्णन नहीं थे। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, जो बाद में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं, फिर बाद में दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत 9 निर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी कब? 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को इसने कार्यभार संभाला था 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946। अगला है, कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए, कथन है कि बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कथन सही है। कारण, बेवेल का विचार था ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। देखिए, बेवेल जो है वो उनका विचार जो है भारत के बंटवारे को रोकने का नहीं था। उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि भारत का बंटवारा हो या ना हो। तो यहाँ पर पहला कथन तो सही है, परंतु उसका कारण जो है वो गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अक्टूबर 1943 में लिनिथगोन के स्थान पर बेवेल जो है आर्कीवाल्ड बेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो 4 चीज़ें हैं। पहला, यह वैश्विक मताधिकार पर आधारित था संविधान सभा? नहीं। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था? नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यह बहुदलीय निकाय था? सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया संविधान सभा ने? ये भी सही है। तीसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। इसका निर्वाचन वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे तथा इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। अगला है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में 4 चीज़ें हैं, यह वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं था? सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था? नहीं। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी? बिल्कुल थी।
यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत ही सही है। तो पहला और ए और डी यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। सही है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। दूसरा, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सही है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया गया था? नहीं, अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया था और यह वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन वाला विकल्प है वो गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की छठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के अधिक के कारण मताधिकार सीमित था। ये सही है, ठीक है। अगला है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को जो है ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कैसे नियुक्त किए गए थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, तो ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सी ऑप्शन। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो ये आपका प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, प्रांतीय सभाओं द्वारा। डी ऑप्शन। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी डॉक्टर सचिंद्रन सिन्हा थे, जबकि स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने, मतलब प्रथम अधिवेशन की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया कब? दिसंबर 1946 में 11 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? तीन कथन दिए गए हैं। पहला, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। सही है, इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे? नहीं, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। सही है, तो पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है, ठीक है। अगला, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? सभापति तो मालूम है, राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। और एच सी मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। एच सी मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी कब? तो इसकी स्थापना की गई थी आपका 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो पांचवीं बैठक में। 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की पांचवीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पांचवें बैठक में, प्रथम अधिवेशन की पांचवी बैठक में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कब? 22 जनवरी 1947 को।
उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ए ऑप्शन हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? चार कथन दिए गए हैं, कौन सही बताना है। पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते नहीं, राज्य का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल 12 अधिवेशन हुए। कितने? 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन होते हैं। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 जन नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत होती है, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कुल मिला के 12 अधिवेशन होते हैं। आगे चलते हैं, अगला है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो ये सही तिथि क्या थी? 24 जनवरी 1950 को जब हस्ताक्षर करते हैं उस दिन। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये ऑप्शन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारत के संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को होता है, ये कथन आपका सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। चार, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? K.M. मुंशी, तीन से मिलाई। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? B.T. कृष्णामाचारी, वन। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, तो दो से मिलाइए, 4-3-1-2, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे B.N. राय। कौन थे? B.N. राय थे, सी ऑप्शन हो जाएगा। B.N. राय का पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव, पूरा नाम याद रखिएगा, बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राय राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था किसने? B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है, B.N. राव जी के द्वारा तैयार किया गया था, बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। B.N. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो तृतीय वाचन जो है आपका 17 नवंबर, इसमें 17 नवंबर कहीं डेट नहीं दिया गया, इसलिए इन चारों में से कोई सही नहीं है। 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ होता है और 26 नवंबर 1949 तक चलता है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब होता है? 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से तैयार होता है। भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए तथा संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं, अगला है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। भारत की संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26
नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, क्योंकि इसमें 26 नवंबर 1949 तारीख नहीं दी गई है, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। भारत के संविधान को लागू किया गया कब? इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पहला ऑप्शन देखिए, कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वहाँ पर आपका 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की जाती है, तो यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है आपका वो सही है, ठीक है। जो लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में दिसंबर में, वहाँ पे ये घोषणा की गई थी। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। पहला, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, सही है। दूसरा कथन, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई थी, ये कथन आपका गलत है। तो यहाँ पर पहला वाला आपका सही है, दूसरा गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा द्वारा इसे उसी दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। अतः नागरिकों के मध्य संवैधानिक मूल्यों को समर्थित करने के लिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो दूसरा वाला कथन था, संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आपके पास चार घटनाक्रम है, ठीक है, चार घटनाक्रम है। पहला, प्रारूप समिति की नियुक्ति। दूसरा, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया, तो ये तो आपका 26 नवंबर 1949 को होता है। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक आपकी कब होती है? 9 दिसंबर 1949 को। फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति होती 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950। तो ये क्रम हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपका चौथा आएगा, फिर आपका पहला आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा आ जाएगा। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये इनका निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हो गए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम आर जयकर ने त्यागपत्र देकर के रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प में आपका पश्चिम बंगाल भी है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था, इसलिए बी उत्तर होगा, ठीक है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो इनका जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में होती है, ठीक है। जन्म जो है आपका मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, महू में, और मृत्यु दिल्ली में होती है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास कितने कथन हैं? यहाँ पे दो कथन हैं, बताना है सही कौन से हैं, ठीक है। पहला, तृतीय गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, ये कथन आपका सही है, पहला। दूसरा,
भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये भी सही है, दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहले और तीसरे में नहीं लिया था। ठीक है, इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत संघ के नाम से के गठन का प्रावधान किया गया था। अगला, यहाँ पे कथन कारण के दो कथन दिए गए हैं, बताना है कि उपयुक्त के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है। पहला भारत कथन क्या है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता, सही है। कारण, इसको एक गृहित संविधान कहा जाता है। तो देखिए, दोनों कथन अपनी जगह सही है, परंतु जो कारण है वो कथन की व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं करता है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर, इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए, अतः इसे एक गृहित संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण जो है कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। संविधान सभा में वैश्विक मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी किसने, मौलाना आजाद ने। संविधान सभा में वैश्विक मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वैश्विक मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो, ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, ये 26 नवंबर 1949 को जो वक्तव्य इन्होंने दिया था उसमें ये अंश था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका यह कथन किसका रहा, यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। अगला है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कथन था ऑस्टिन का। किसका था? ऑस्टिन का। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो इसमें कुल आपकी 15 कितनी महिला सदस्य थी, 15 महिला सदस्य थी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग संविधान सभा की प्रमुख समितियों पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए, इसमें आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। यहाँ पे दो सूचियाँ हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। तो देखिए, इसका उत्तर में कोई सुमिलन सही नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के बी आर अम्बेडकर। ठीक है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। देखिए, जबकि सलाहकार समिति की उपसमितियों में मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष एससी मुखर्जी थे। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे, मतलब अम्बेडकर जी के अलावा, तो कुल 7 सदस्य थे, तो अम्बेडकर जी के अलावा 6 और थे, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो 6 सदस्य अन्य थे, मतलब अम्बेडकर जी के अलावा जो 6 सदस्य थे, ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला,
बीएल मित्र, डीपी खेतान। इनमें बाद में बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव राव को तथा डीपी खेतान के स्थान पर, इनकी चूंकि मृत्यु हो जाती है 1948 में, तो इनके बाद टीटी कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से संविधान कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल नहीं थे। तो पहला और तीसरा मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। संविधान पांडुलेखन समिति मतलब प्रारूप समिति का निम्न से कौन सदस्य नहीं था? कि यह मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, ए के अय्यर थे, परंतु जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1947, ये डेट बहुत महत्वपूर्न है, 29 अगस्त 1947। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए भारतीय इतिहास में दो झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। एक तो आपका 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और जो संविधान सभा के तहत जो गठित समितियाँ थीं इसमें जो झंडा समिति थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे चलते हैं, अब संविधान के स्रोत पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया कहाँ से? तो उद्देशिका का विचार जो है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? तो कानून के समक्ष समानता जो है ये ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, देखिए विधि के समक्ष समता इक्वलिटी बिफोर लॉ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समता इक्वलिटी बिफोर लॉ विधि के शासन रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। भारतीय संविधान में यह अवधारणा ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा से ली गई है। उल्लेखनीय की विधियों के समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये आपका ये जो व्यवस्था है भारत और यूएसए दोनों में है, संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो कौन सा है? यह है आपका संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है ये दोनों में समान रूप से पाया जाता है, दोनों जगह पर यह लक्षण है। अगला है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक व्यवस्था जो है ये कनाडा से संबंधित है, कनाडा से। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? कनाडा से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ किस संकल्पना को प्राप्त किया गया है? राज्यों का संघ ये आपका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम मतलब कनाडा से। ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट जो है ये कनाडा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की देन है। कहाँ की देन है? ऑस्ट्रेलिया की। अगला है भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है कहाँ से? तो अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया से, तो सी ऑप्शन। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहित की गई थी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेधों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड से, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। अगला है राज्य के नीति निषेध तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निषेध तत्व के निर्माण में योगदान है? तो आयरलैंड का है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। कहाँ के उदाहरण से प्रभावित हुए थे? आयरिश, आयरलैंड के गणतंत्र से। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, जो नॉमिनेट किया जाता है ये प्रावधान हमने आयरलैंड से लिया है। आगे चलते हैं, दो सूचियाँ हैं भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से गृहित किया गया है। तो देखिए आपका मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, दो से मिलाइए। शासन की जो संसदीय प्रणाली है ये यूके से, तो 1 से मिला दीजिए।
राज्य के नीतिनिषेध तत्व जो हैं ये आयरलैंड से 3, आपात उपबंध जो है जर्मनी से लिए गए हैं तो 4, तो 2143 हो जाएगा, 2143 आपका सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है? प्रावधान और स्रोत। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। राज्य के नीतिनिषेध तत्व आयरलैंड सही है। केंद्र की औसत शक्तियाँ ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं, यहाँ से समवर्ती सूची लिया गया है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये कनाडा के संविधान से है, तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी सही है। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं, जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां हैं, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। देखिए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आपके कहां से हैं? अमेरिकी अधिकार पत्र से 4। राज्य के नीतिनिषेध तत्व आयरिश संविधान 3 से। केंद्र राज्य संबंध, सॉरी, मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ये कहाँ से लिया गया? मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ये आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध ये कनाडा के संविधान से, तो 4312 डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से, राज्य के नीतिनिषेध तत्व आयरिश संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान, केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। फिर से दो सूचियाँ हैं, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। विधि का शासन, विधि का शासन आपका इंग्लैंड से 2 से मिले। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से 3 से मिलाइए। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये लिया गया है कनाडा से, तो 4 से मिले। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची मतलब समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया 1, तो 2341 डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, फिर से दो सूचियाँ हैं। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत ये कहाँ से लिए गए हैं? देखिए, राज्य के नीतिनिषेध सिद्धांत ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं 3 से मिले। मूल अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका 5 से मिला दीजिए। संघ राज संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया 1 से मिला दीजिए। भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है ये कनाडा से लिया गया 2, तो 3512 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कथन कारण का प्रश्न है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, सही है। कारण, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा। कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये बहुत, एक सेकेंड, यहाँ पर जो पहला कथन है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, तो इसमें चूंकि केंद्र के प्रावधान है, राज्यों के प्रावधान है और बहुत सारे अन्य प्रावधान है, इसलिए ये बहुत काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में किस देश से प्रेरित है? तो चुनाव आयोग जो है ये ना ही आयरलैंड है, ना ही यूनाइटेड किंगडम है, ना ही यूएसए, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। देखिए, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की व्यवस्था करने संबंधी प्रस्ताव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया। निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण हेतु स्वतंत्र चुनाव आयोग की व्यवस्था संविधान में करने के संदर्भ में भारतीय संविधान निर्माता किसी देश विशेष से प्रेरित नहीं थे, बल्कि यह भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में की गई विशिष्ट व्यवस्था है। तो मतलब ध्यान रखिएगा कि चुनाव आयोग का प्रावधान किसी देश से नहीं लिया गया है। ठीक है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो ये आपका अमेरिका से हुआ। लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।